सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एवं मोबाइल खरीदने के लिए संपर्क करें पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक अंबेडकर चौराहा खंडवा। कि आज जो है पूरा भाजपा सहित व्यापारिक संगठन सामाजिक संगठन खंडवा शहर में ऑनलाइन खरीदी को ना कहते हुए लोकल खरीदी पर जोर दे रहे हैं, किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं? हम जिस प्रकार देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक और ये अपना सोशल मीडिया की तमाम चीजों को ऑनलाइन से जोड़ा जा रहा है और इस प्रकार कहीं ना कहीं आधुनिकता के साथ साथ हमारे शहर का आम गरीब का छोटे छोटे व्यवसाय जो साल भर इंतजार करते हैं कि हम दिवाली के दिन हमारा व्यवसाय करेंगे और दो पैसे कमाएंगे और दिवाली मनाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि दिवाली जैसे त्योहारों पर बाजारों में रौनक नहीं है। ऐसे समय में आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति ये संकल्प ले कि बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तो हम इस प्रकार की जो खरीदी करें जो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन आवश्यक वस्तुओं की खरीदी कम से कम त्योहारों पर हम हमारे शहर से करें, छोटे व्यवसायियों से करें। और यह संदेश देने के लिए माननीय महापौर जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदरणीय मित्र भी, ऐसे सभी लोगों को आज आमंत्रित करा था जो समाज के प्रत्येक वर्ग तक संदेश लेकर जाएंगे कि हम अपनी आवश्यक खरीदी शहर में ही खरीदें, शहर के छोटे व्यवसायियों से खरीदें। ये हमने संदेश देने का काम करा और निश्चित रूप से जनता में इसको लेकर उत्साह है और निश्चित रूप से आने वाले समय में दिवाली का त्योहार से पटाखे फोड़ने से पूजन करने से ही नहीं दो पैसे व्यवसाय करने से भी जुड़ा हुआ है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक व्यवसायी यही उम्मीद करता है कि हम त्योहार के दिन दो पैसा का व्यवसाय करेंगे। तो आज हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये व्यवसाय हतोत्साहित हो रहा है, ऐसे समय में सबको प्राणवायु मिले, प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यवसाय करे, उसी से शहर में रौनक है, उसी से शहर में विकास है और यही संदेश देने का काम हम कर रहे हैं। नहीं, इस प्रकार की बात नहीं है। अगर पूरी सावधानी से अगर हम खंडवा शहर में ही चार व्यवसायियों से भाव पूछकर करते हैं तो निश्चित रूप से ये बात हो सकती है कि भाव में कुछ थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आवश्यक है कि हम शहर को बचाएं, शहर के व्यवसायियों को बचाएं, छोटे व्यवसायियों को बताएं। हमारे कुम्हार बड़ी संख्या में साल भर मूर्तियां दिए बनाते हैं और आज अगर हम इनसे नहीं खरीदेंगे तो एक बहुत बड़ा वर्ग कहीं ना कहीं बेरोजगार और बहुत बड़ा वर्ग अपने व्यवसाय से वंचित हो जाएगा। इनको प्रोत्साहित करने के लिए भी हमको छोटे व्यवसाय से खरीदी आवश्यक है। जी, आज हम लोग पूरे शहर वासियों को यही संदेश देने निकले हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग बंद करें और अपने लोकल मार्केट से शॉपिंग करें। यहाँ जो छोटे छोटे व्यापारी लोग रहते हैं वो साल भर अपने त्यौहार के लिए इंतजार करते हैं कि हमारी खरीदारी बढ़ेगी, और यदि हम यही ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका रोजगार प्रभावित होता है। तो आप सभी शहरवासियों से मैं ये अनुरोध करती हूँ कि आप लोग अपने लोकल मार्केट से शॉपिंग करें, जिससे अपना त्यौहार तो अच्छे से मने ही बाकी सभी व्यापारियों का भी अच्छा व्यापार हो और वो लोग भी खुशहाली से अपना त्यौहार मना सके। और दोस्तों इसी बीच कुछ दर्द हमारे लोकल व्यापारियों का भी है जो यहाँ पर मिट्टी के बर्तन दिए बेचते हैं। हम लोगों से बात कर रहे थे, आप हमारे साथ आए और कुछ कहना चाहते हैं, इनकी बात भी प्रशासन थोड़ा ध्यान से सुने। क्या कहना चाहते हैं आप? जी सर, हम यह कहना चाहते हैं कि हम मिट्टी के दिए वगैरह ये बेचते हैं, इसमें जो यहाँ बैठने का जो शुल्क है नगर निगम का हम देते हैं हर साल, लेकिन इस साल कुछ ज्यादा ही है। जो 10 रुपए चिट्ठी कटती है 20-30 ऐसी बढ़ती चली जाती है। अच्छा। तो हम इसमें 10-10, 20-20 रुपए के तो दिए बेचते हैं। अच्छा। तो इसमें हमको कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता। और हम छोटी छोटी से दुकानें लगाते हैं यहाँ। तो आपकी बात भी प्रशासन तक पहुंचेगी। इन लोगों का कहना है कि शुल्क लें, निःशुल्क ना करें, शुल्क लें लेकिन कम लें। कम लें, नहीं टैक्स वाला विषय ऐसी कोई विषय या तो व्यापारियों के बीच से ऐसा किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हो ना इस प्रकार की मांगे हो। निश्चित रूप से अगर कुछ ऐसा प्रकार का विषय आएगा तो हम शहर के प्रत्येक व्यवसायियों के साथ आदरणीय महापौर जी और पूरी नगर निगम और पूरा शासन प्रशासन खड़ा है, सबके हितों का ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं और इस प्रकार का विषय आएगा तो निश्चित रूप से विचार करेंगे। आज छोटे व्यापारियों नहीं पैसे किसी प्रकार की ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है और जो पूर्व वर्षों में जो परंपरा चली आ रही है वही टैक्स ऐसे सभी व्यवसायियों से वसूला जाता है नगर निगम की या शासन की जो प्रक्रिया उसी के अंतर्गत। इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है और होगी तो निश्चित रूप से जांच कराकर उनके हितों में निर्णय लिया जाएगा। 3 फ्लोर तक की बिल्डिंग परमिशन सहित अन्य सिविल वर्क के लिए संपर्क करें इंजीनियर अनिल पटेल, बजरंग चौक, कारवाड़ी रोड।